Hey folks, I'm Akshay Singh from My Black Plate. So it's been so long since I made a video, so I thought क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए. So आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है फोकस टैकिंग के ऊपर. अब फोकस टैकिंग क्या होती है, इस टेक्निक का हम क्यों यूज़ करते हैं और इस टेक्निक ये टेक्निक हमारी फूड फोटोग्राफी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. फोकस टैकिंग एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक होती है जिसमें हम मल्टीपल शॉट्स लेते हैं, डिफरेंट फोकस डिस्टेंसेस पे रखते हैं और पोस्ट में उन सभी इमेजेस को हम ब्लेंड करते हैं फोटोशॉप की हेल्प से, जिससे कि हमारे इमेज का सब्जेक्ट पूरी तरीके से शार्पेस्ट लेवल अचीव करता है. और इसीलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. ये टेक्निक कुछ उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम HDR इमेजेस लेते हैं. HDR के लिए हम मल्टीपल शॉट्स लेते हैं एट डिफरेंट एक्सपोजर लेवल और पोस्ट में उन सभी इमेजेस को हम ब्लेंड करके एक इमेज क्रिएट करते हैं जो कि वेल बैलेंस्ड रहे, जिसमें आपके हाइलाइट्स और शेडो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो. इस टेक्निक में भी हम सेम मेथड यूज़ करते हैं. इस पे भी हम मल्टीपल शॉट्स लेते हैं और इसमें डिफरेंट एक्सपोजर पे ना रख करके डिफरेंट फोकस डिस्टेंसेस पे रखते हैं और बाद में इन सभी इमेजेस को हम ब्लेंड करते हैं जिससे कि आपकी इमेज पूरी तरीके से शार्पेस्ट लेवल अचीव करे. अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम हायर एस्टॉप पर भी तो फोटोग्राफी कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज़ हो जाए और हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से फोकस में रहे. तो हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि चाहे आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से फोकस भी क्यों ना हो, लेकिन वो उतनी शार्पनेस लेवल अचीव नहीं कर पाएगा जितना आपको इस टेक्निक से मिलेगी, क्योंकि हर लेंस का अपना एक स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पर वो अपनी शार्पनेस लेवल अचीव करवा पाता है. उसके बाद उसकी शार्पनेस लेवल डाउन होती चली जाती है जितना हमारा एफ्टॉप इंक्रीज होता है. ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने फर्स्ट शॉट में स्मॉलर अपर्चर रखा है F25 पे, जो कि काफ़ी डेप्थ ऑफ फील्ड कवर कर रहा है. सेकंड शॉट में मैंने फोकस टैकिंग का यूज़ किया है जिसमें मेरा अपर्चर F5.6 है और 12 नंबर ऑफ इमेजेस मैंने इंक्लूड की है. अगर मैं इन दोनों इमेजेस को थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको दोनों इमेजेस की डिटेलिंग में डिफरेंस पता चलेगा. दूसरा रीज़न ये है इसे यूज़ करने का कि आप इस टेक्निक को नेचुरल लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाई एफ्टॉप पे रख कर के शूट करेंगे तो उसमें आपको हाई इंटेंसिटी लाइट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फ्लैश या स्ट्रोब. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टेक्निक का यूज़ आप फूड फोटोग्राफी में कैसे कर सकते हैं. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. जैसे कि आप इस फ्रेम में देख सकते हैं, मुझे अपना फोकस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखना है जिससे मेरा हीरो पूरी तरह से फोकस में रहे और हाई क्वालिटी डिटेलिंग अचीव करे. तो इसके लिए मैं मल्टीपल शॉट्स ले रहा हूं और हर एक शॉट पे मैं अपना फोकस पॉइंट शिफ्ट करता जा रहा हूं. एक बात का और ध्यान रखें कि आपको अपना कैमरा स्टडी ट्राइपॉड पे सेट करना है जिससे आपके हर इमेजेस में किसी भी मूवमेंट की वजह से चेंजेस ना आए. मैंने सारी इमेजेस को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लिया है जो कि अलग अलग फोकस डिस्टेंसेस पे रखी गई थी. अब इन इमेजेस को स्टैक करने के लिए आपको सभी इमेजेस को अलाइन करना होगा. उसके लिए आपको इन सभी इमेजेस को सेलेक्ट करना होगा, एडिट में जाके ऑटो अलाइन लेयर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ऑटो सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है. ये ऑटोमेटिकली सभी इमेजेस को अलाइन कर देगा. अब आपको दोबारा एडिट में जाके ऑटो ब्लेंड लेयर्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टैक इमेजेस को सेलेक्ट करके ओके कर देना है. फोटोशॉप हमारे इमेजेस के फोकस एरियाज को मास्किंग करके सिंगल इमेज में क्रिएट कर देगा. अब आप देख सकते हैं इमेज का हीरो पूरी तरह से फोकस में है और हाई लेवल की डिटेल शार्पनेस अचीव की है. सो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो. अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.